क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। राजेंद्र नगर जोन में 5 तारीख को एक मर्डर हुई थी बारा इमाम दरगाह के पास। वहाँ एक लड़का 20 इयर्स बॉय को मर्डर करा, बॉडी है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है बोल के पहले पुलिस को फोन आई थी। हम पुलिस पहुंच के और एक मान और में इनका डिसीज आइडेंटिफाई निकला, जब महिम बोल के बिस्मिल्ला कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन का। आफ्टर दैट ये SOT राजेंद्र नगर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट केस। एक वही दिन आइडेंटिफाई कर सक पाए उन लोगों को और आज उन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा। ये मर गए सो फहीम को और वही महल्ला में रहता है यासिन बोल के। वो यासिन और फहीम को जगने के रात के नाइट में थोड़ा छोटा गड़बड़ हुआ। बाद में वो एल्डर्स होके रिजॉल्व करना था लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक ऊपर एक निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहां तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासिन उनका दोस्त था, चार लोगों को मिला के काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2। ये चार लोगों को बुला के उनको समझाया था, इनको उड़ा देना नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोग अटेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे और एक फेक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट लड़की का नाम पे एक अकाउंट खोल के उनके चैटिंग करके वो बच्चा को जब डिसीज फहीम को ल्यूर करके यहाँ बुलाया। वो यह फहीम भी मान लिया कि एक लड़की मेरे को बुला रही बोल के वो दरगाह के पास आया। जब वहां ये 5 लोगों मिलकर उनको चाकू से मार दिए। आज वो लोगों को लोगों अरेस्ट हुआ। एक केस पे 5 पीपल आर अरेस्टेड और 2 बाइक्स, एक नाइफ और 5 सेलफोन्स भी सीज करा। आज कोर्ट में पेश करा जा रहा। अब जवान लोगों अब समझ लेना कि एक सोशल मीडिया अकाउंट पे जो फोटो रहता है तो एक नाम रहता, एक एड्रेस रहता, ये फेक भी हो सकती। अब आज तक हम लोगों छोटा छोटा चीटिंग केसेस हम लोगों देखे थे। अब इसमें सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना के उनको बुला के यहाँ मर्डर भी कर दिया। इसलिए पूरा यूथ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना में हर प्रिकॉशन लेने का जरूरी है।